सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे। अंबेडकर नगर में गेहूं की फसल में आग लग गई है और आग लगने से 50 बीघा से ज्यादा फसल जलकर पूरी तरीके से राख हो गई है। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी थी। ग्रामीणों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की टीम घंटों बाद पहुंची। पूरा मामला टांडा तहसील क्षेत्र के नैपुरा गांव का है। और कानपुर में पुलिस ने मामा भांजे को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों भूसे के अंदर करोड़ों का गांजा लेकर जा रहे थे। पुलिस दोनों को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों के पास से करीब 2 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। काफी वक्त दोनों मिलकर गांजा तस्करी के काम को अंजाम दिया करते थे। अप्रैल 2024 को थाना सदेती तथा एएनटीआर झांसी थाना के संयुक्त टीम के द्वारा प्रातः काली और एक बोलेरो से लगभग 2 क्विंटल के आसपास गांजा को जब्त किया गया है और उसको ले जा रहे 5 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर उनसे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। जो भी सामने तथ्य आएगा उसके आधार पर अग्रिम की कार्रवाई की जाएगी। भदोही से खबर है जहां पर पुलिस ने 10,000 रुपए के 2 इनामी लुटेरों को गिरफ्तार किया। बीते दिनों एक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से लूट के मामले में दोनों फरार थे और दोनों के पास से 1,20,000 रुपए और 2 अवैध तमंचे बरामद हो चुके हैं। 12 मार्च को लूट की घटना में वांछित एवं 10,000 रुपए के पुरस्कार घोषित 2 अभियुक्त सौरभ गौड़ एवं शिवम उर्फ गोलू को आज थाना चौरी पुलिस के द्वारा मई हरदोपट्टी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट की रकम 1,20,000 रुपए एवं 2 अवैध तमंचे, 315 बोर व 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। नोएडा में यूट्यूबर एल्विश यादव का मोबाइल फोरेंसिक जांच के लिए भेजा, डेटा रिकवर के लिए 3 मोबाइल लैब भेजे गए हैं। अंदेशा राज खुल सकते हैं। इस बीच कोर्ट एल्विश यादव सहित 8 अन्य सहयोगियों के खिलाफ चार्जशीट करा लेगा और करके आपको नोटिस 100 पन्नों की चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की है। पुलिस कोर्ट सूरजपुर कोर्ट में अपनी चार्जशीट प्रस्तुत करेगी। फिलहाल आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव और उसके 2 अन्य सहयोगी विनय और ईश्वर के फोन जो है वो गाजियाबाद के एक लैब में भेजे हैं ताकि जो डेटा है वो रिकवर किया जा सके। जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि कुछ चैट्स और साथ ही वीडियो और कुछ फोटोज डिलीट का आरोपी भी नाबालिग ही है। 6 साल की मासूम लड़की ट्यूशन से लौटकर अपने घर जा रही थी, तभी 11 साल का लड़का उसे रास्ते में मिला। आरोप के मुताबिक वो उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। उसे इलाज के लिए रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। 24 बुलाया गया और सारे वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किए गए जो हाई कर लिया गया और उसे जेजे बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जाएगी। देवरिया पुलिस ने शराब तस्करों के गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। तस्करों के कब्जे से भारी कारतूस बरामद हुए हैं। बता दें कि श्रीरामपुर इलाका बिहार की सीमा से सटा है। ऐसे में तस्कर आए दिन शराब तस्करी कर बिहार ले जाते हैं, जिन पर कार्रवाई करते हुए तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। श्रीरामपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए और ऑर्डर में जो अपराधी हैं उन पर जो लगातार हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं, इसी कार्यवाही की एक श्रृंखला में श्रीरामपुर थाने से ये अच्छा वर्कआउट हुआ है, जिसमें 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। बिहार के विभिन्न जनपदों से चुराई गई है। ये गैंग बेसिकली चोरी की मोटरसाइकिलें यूज करके नोएडा में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले हैं। कर्मियों के सामने ये रही 137 की सोसाइटी का इफ़ा है। देर रात 1:30 बजे की पूरी घटना है। और झांसी में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार चेकिंग अभियान बरामद हो चुके हैं। नवाबाद थाना क्षेत्र में आगे पास लोको पायलट की वेशभूषा में था,
पूछताछ के दौरान आरोपी कैश और सोने के जेवरात से जुड़े कागजात टैक्स के पास सुपुर्द कर दिया है। जो करोल बाग दिल्ली के रहने वाले हैं वो गुजरे, उनको उनके बैग को जब चेक किया गया उसमें 70,56,400 रुपए है और ज्वेलरी 436.51 ग्राम है जिसकी कीमत लगभग 28,00,000 रुपए है। तो मिला महाराजगंज में आज कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। सबसे पहले भिटौली थाना लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है और सैकड़ों एकड़ फसल जलकर खाक हो। ट्वीट करके इसकी शिकायत की। इसके बाद रेल मंत्री ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए और 72 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा। लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पीड़ित राजीव शर्मा दिल्ली जा रहे थे और इसी दौरान कोच में उनको मच्छर ने परेशान किया और वो मच्छर से सो नहीं पाए, बार बार मच रहे थे। इतना परेशान वो हुए कि सीधे रेल मंत्री को इसकी शिकायत कर दी। ट्रेन में मच्छर की खबर की वजह से अधिकारियों और परेशान है। पहली कॉरपोरेट ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्री को मच्छर ने क्या काटा और उस खराब अधिकारियों स्त्री तक को ट्वीट कर डाला। अगर सूत्रों के माने तो रेल मंत्री के निर्देश पर अब जांच के आदेश दिए गए जिसके बाद उन्हें 72 घंटे में इसकी रिपोर्ट पेश करनी होगी। ऐसे में तेजस ट्रेन में उस दिन ड्यूटी कर रहे कोच अटेंडेंट से लेके कर्मचारियों के होंगे बयान, यानी कि आपका ये होगा कि इस जांच का क्या परिणाम निकलता है और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए अधिकारी क्या उपाय लाते हैं। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18। पैसेंजर ट्रेन से शिकोहाबाद आ रहे रेलवे गार्ड की चलती ट्रेन में हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस घटना से रेल प्रशासन और मृतक के परिजनों में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलने पर टुंडला के रेलवे के अफसर मौके पर पहुंचे। शव को अचानक रास्ते में गार्ड की हृदय गति थम गई। उसके साथ यात्रा कर रहे गांव के ही एक व्यक्ति ने इस रेल अधिकारी को गाली दी है। और सूबे में कई जगहों पर घर की छत गिर गई। हम आपको दो जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें और सी बता गई। मोहल्ले के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे के नीचे से महिला को निकाला लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उधर सीतापुर में एक कच्चे मकान की छत गिर गई। बताया जा रहा है कि छत पर बंदर के कूदने के चलते यह हादसा हुआ। वो तो गनीमत रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय पूरा परिवार घर के बाहर काम कर रहा था। ऐसे में बड़ा हादसा टल गया वरना कई लोग हादसे की चपेट में आ सकते थे। लखीमपुर खीरी में जंगल से निकले बाघ ने एक दिन में 3 लोगों पर हमला कर दिया। दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन से बाघ निकलकर गोला गोकर्णनाथ तहसील के गांव के पास पहुंच गया और वहां पर काम कर रहे 2 मजदूरों पर हमला कर दिया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर बाघ दोनों को छोड़कर भागा जिससे बाघ एक बार फिर से आक्रामक हो उठा और गन्ने के खेत से निकला। पुलिस फोर्स भी पहुंचा लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी उनके द्वारा बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर दिया गया जिससे टाइगर वहां से निकलकर जंगल की तरफ को भागा। तो चूंकि बाकेगंज रोड बीच में आता है उसे बाकेगंज रोड क्रॉस करना था, वहां भी भीड़ को गया लेकिन मिल गया। उसके बाद वो क्रॉस करता हुआ जंगल को मूव कर गया। क्या इस समय जंगल पहुंच चुका है? हाँ, इस समय जंगल पहुंच गया। आप किसी को लगभग कोई खतरा? अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी कई मायनों में ऐतिहासिक होगी। करीब 500 साल बाद रामलला का भव्य जन्मोत्सव मनाने की तैयारी हो रखी है। रामनवमी का खास आकर्षण रामलला का सूर्य तिलक होगा। रामनवमी के दिन दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी जिससे उनका सूर्य तिलक होगा। रामलला के मुख पर सूर्य की हाथों की निर्णय हुआ था कि रामनवमी के दिन भगवान के जन्मदिन के ऊपर सूर्य तिलक भगवान को जन्म के दिन समय होना चाहिए दोपहर में 12 बजे। तो उसके लिए जो उपकरण के लिए 12 बजे उसकी तैयारी हो रही है और उसकी फिटिंग हो रही है। ऐसा है कि जो रामनवमी के दिन भगवान का सूर्य तिलक होगा। भगवान रामलला को गर्मी से निजात दिलाने के लिए राम जन्मभूमि परिसर में भी तमाम उपाय शुरू कर दिए गए हैं। चैत्र का महीना चल रहा है और धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भगवान को गर्मी का कम से कम महसूस हो इसके लिए कवायदें शुरू कर दी गई हैं। गर्मी से निजात दिलाने के लिए रामलला के भव्य मंदिर में फिलहाल कूलर लगाए गए हैं। इसके अलावा भोग में भी दही और ठंडाई का इस्तेमाल किया जा रहा है।
चुकी है, हमें कूलर लग गया है। कूलर लगने से बहुत शांति है, किसी प्रकार के कोई गर्मी का प्रभाव नहीं है, कूलर बराबर चलता रहता है और उसके बाद में उसकी जो ठंडी है उससे रामलला बहुत आनंदित हैं, पुजारी आनंदित हैं, सभी लोग वहाँ पर ठीक ठाक हैं, क्योंकि कूलर लग जाने से वहाँ पर यह है उसकी शांति है और ठंड है और गर्मी का प्रभाव नहीं है। राम जन्मभूमि परिसर में भगवान लला से निकलाने के उपाय शुरू कर दिए गए हैं। भगवान रामलला के समक्ष फिलहाल भव्य मंदिर में विशालकाय कूलर लगाया गया है। हालांकि भगवान के अस्थायी मंदिर में एसी लगी थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन एरिया होने की वजह से अभी नव्य मंदिर में एसी की सुविधा नहीं है, लिहाजा भगवान को गर्मी से निजात दिलाने के लिए कूलर लगाए गए हैं। इसके अलावा भगवान के भोग में भी तरल पदार्थों को शामिल किया गया है जो ठंडे होते हैं, जैसे कि दही और ठंडई भगवान के भोग में शामिल किया गया है। और रामनवमी में लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे। भक्तों की संख्या देखते हुए फ्लाइट की बुकिंग पर लगभग 2,000 रुपए तक की छूट देनी शुरू कर दी गई है। 17 अप्रैल को नए भव्य और दिव्य मंदिर में पहला जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसको देखते हुए विमान कंपनियां छूट दे रही हैं। टिकट पहले लगभग 6,783 रुपए का होता था, वो टिकट अब 4,176 रुपए का मिल रहा है। ऐसी स्थिति में रामनगरी आने वाले राम भक्तों ने हवाई टिकट की जबरदस्त बुकिंग भी शुरू कर दी है। स्वागत है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि रामनवमी के पर्व तक यात्रियों की संख्या यहाँ बहुत बढ़ेगी, क्योंकि किरायों में आए हैं और सरकार ने कुछ किया है तो कदम उसके लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। तो गए छोटे से ब्रेक का।